हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। तो गाइस, हमारे आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंडियन डॉग ब्रीड के बारे में बात करेंगे जो कि इतना स्ट्रांग है, इतना फास्ट है और इतना पावरफुल है कि उन डॉग ब्रीड्स ने एक बार एक टाइगर को भी मार गिराया था। तो गाइस, आज हम बात करेंगे द माइटी राजा पलयम की स्टोरी के बारे में, जिसने एक टाइगर को मार गिराया था। तो गाइस, राजा पलयम, जिनके नाम में ही राजा है, और आपको बताऊं तो इंडियन डॉग ब्रीड की कैटेगरी में अगर इनको सबसे बेस्ट गार्ड डॉग भी कहा जाए तो भी काफी हद तक ये बात सच्ची होगी। राजा पलयम अभी तो खैर कुछ लोगों के पास ही है जो कि काफी रेयर है, लेकिन एक टाइम था जब इनको वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स में से एक माना जाता था। और साउथ इंडियन स्टेट्स में जितने भी राजा महाराजा थे, उनमें से ज्यादातर जो राजा थे वो राजा पलयम को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी यूज करते थे और उनकी आर्मी में भी यूज करते थे। काफी सारे ऐसे ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर हुए जिनमें वहाँ के राजा महाराजा ने ब्रिटिश कैवलरी के अगेंस्ट अपने राजा पलयम को यूज किया, और राजा पलयम काफी ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रांग थे जो उन राजास की आर्मी को हेल्प करती थी उन ब्रिटिश कैवलरी के अगेंस्ट जो कि घोड़े पे सवार होते थे। बट सैडली राजा पलयम के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बट राजा पलयम के बारे में एक और स्टोरी ये फेमस है कि चार राजा पलयम ने मिलके एक बार अपने ओनर को बचाने के लिए चार राजा पलयम ने एक टाइगर को मार गिराया था। दोस्तों, अगर आप सोचे तो कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जो सिंगल हैंडेडली एक टाइगर को मार सके जो कि आराम से 250 किलो के आसपास का होता है। टाइगर्स काफ़ी फास्ट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं उनके, उनके टीथ और नेल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। तो कोई भी ऐसा डॉग नहीं है जो सिंगल हैंडेडली एक टाइगर को हरा सके। बट हाँ, अगर वो ग्रुप्स में मिल जाते हैं तो हो सकता है कि वो टाइगर को भी मार सके, जैसे कि इन चार राजा पलयम ने किया। इस स्टोरी को लेकर मैंने बहुत ही रिसर्च की कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, बट ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। लेकिन बस इतना पता चला कि एक बार एक बंदा अपने चार राजा पलयम को लेके फॉरेस्ट में निकला था कुछ शिकार करने के लिए, बट सडनली उसके सामने अचानक से एक टाइगर आ जाता है और वो टाइगर उस बंदे पे अटैक कर देता है। बट उसके साथ जो चार राजा पलयम्स थे वो अपने मास्टर को बचाने के लिए उस टाइगर से भिड़ जाते हैं। तो काफ़ी टाइम तक ये फाइट चलती है जिसमें डॉग्स भी टाइगर को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड करते हैं और टाइगर भी कुछ कुछ डॉग्स को इंजर्ड कर देता है। बट उन चार राजा पलयम्स ने मिलके अपने ओनर को बचाने के लिए लास्ट में उस टाइगर को मार गिराया। और अगर वो नहीं मारता तो ये तो जानने वाली बात है ही कि वो टाइगर उन सभी को मार देता। बट राजा पलयम अपने ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं और इन्हें वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स में से बोला जाता है इंडिया में। तो ये कोई चांस ही नहीं था कि वो अपने ओनर को छोड़ के भाग जाए या फिर टाइगर से डर जाए। वो भले ही अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने ओनर को बचा के छोड़ेंगे। और ये स्टोरी कुछ लोग सच भी मानते हैं, कुछ लोग इसे झूठ भी मानते हैं, क्योंकि इस स्टोरी के बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है और प्रूफ नहीं है कि ऐसा सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। बट वहाँ के जो लोग हैं, जो गांव के आसपास के लोग हैं, विरुधु नगर नाम का एक गांव जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि हाँ, ये बात सच है और ये इंसिडेंट असलियत में हुआ था। बट सैडली आजकल के टाइम में इंडियन डॉग ब्रीड्स को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मिलती। बट धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है और धीरे धीरे करके लोग इंडियन डॉग ब्रीड्स के बारे में भी जान रहे हैं, और राजा पलयम जैसी डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। बट अगर साउथ के साइड में जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, बट वहाँ पे भी काफ़ी रेयर है, कुछ कुछ लोगों के पास ही होती है। और दिल्ली जैसे जगह पे बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी तक बस एक ही राजा पलयम देखा है, और जब मैंने उसे फर्स्ट लुक में देखा था तो काफ़ी ज़्यादा गजब लगा था। उसकी गार्डिंग एबिलिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो गाइज, आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, और ऐसे डॉग से रिलेटेड वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।